मेरा नाम तिस्या है। आज को मैं हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाली हूँ। इसको हमने चार भागों में डिवाइड किया, जैसा आप देख सकते हैं। और इधर बीच में हमारा ट्रैफिक लाइट, इसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। पहले हम लोग हमारा चार डिवाइडेड सोसाइटी के बारे में बता देते हैं। तो पहले हम लोग गाँव में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ये कच्चा हाउस है, अगर आप गाँव में जाते हो तो आप ये कच्चे हाउस को देख सकते हो, भले ही अभी ये डेवलप हो गया। और इधर आप देख सकते हो गाँव में कितनी साफ नदियाँ होती हैं। इधर आप देख सकते हो गाँव की मंदिर, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और इधर आप देख सकते हैं कि अंकल अपने बच्चों के साथ पूजा करने आए हैं। फिर चलते हैं दूसरी सोसाइटी की ओर, ये भी गांव ही है। पहले हम लोग गांव का के बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हमारी मॉडर्न सोसाइटी में जाएंगे। तो यह है कच्चा हाउस, हम लोगों ने दूसरे गांव में भी देखा था कि ये था। और फिर इधर यह है गांव की पाठशाला, आप देख सकते हो। और ये दादा और दादी या अंकल आंटी भी आप बोल सकते हैं, ये अपने बच्चे को पाठशाला से छोड़ के आए हैं। और अभी आप देख सकते हो कि ये फुटबा है और ये स्ट्रीट लाइट है जो हमें रास्ता देखने में मदद करती है। फिर अब चलिए आते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। आप इधर देख सकते हो कि ये हॉस्पिटल है, आदमी यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं। और इधर है ऑफिसर्स। फिर चलते हैं दूसरी मॉडर्न सोसाइटी की ओर, आप देख सकते हैं कि ये है हमारी स्कूल। और इधर है बंगला, इधर आप ये भी देख सकते हैं कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ के जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हरियाली बनाने के लिए हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। और इधर हम लोगों ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दी है। अब चलिए चलते हैं लाइट की ओर, जैसे हम लोगों ने बताया था। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ तीन लाइट्स हैं, इनका मतलब भी जान लेते हैं। ये लाल लाइट का मतलब होता है कि आप गाड़ी रोक दें। फिर ये येलो लाइट मतलब ये पीला लाइट का मतलब होता है कि आप अपना गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं। ये हरा लाइट का मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। शुक्रिया, आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।